नमस्कार दोस्तों, CPTF अर्णव YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लीग में अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। KKR 2 जीत और 1 हार के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है। राइडर्स के गेंदबाजों ने एक असाधारण प्रदर्शन किया है, जिसमें उमेश यादव ने अब तक काफी विकेट लिए हैं। 100% श्योर टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविष्यवाणी, पावर प्ले, स्कोर, रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। जिन दोस्तों को हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें मैच का संपूर्ण एनालिसिस करेंगे। यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में दिनांक 6 अप्रैल 2022 7:30 PM पर खेला जाने वाला है। दोस्तों, आज का मैच कौन सी टीम मैच जीतेगी? आप दोस्तों को क्या लगता है? आप दोस्तों को मालूम है कि IPL T20 का यह मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे की पिच पर खेला जाने वाला है। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में अब तक IPL के 2 मैच खेले जा चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने ही दोनों मैचों में जीत हासिल की है। इस मैदान पर अब तक पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा रहता है। अगर कोलकाता नाइट राइडर्स पहले बल्लेबाजी करेगी तो 6 ओवर में 37 से 46 के आसपास स्कोर बन सकते हैं। वहीं अगर मुंबई इंडियंस पहले बल्लेबाजी करेगी तो 20 ओवर में 132 से 164 के आसपास स्कोर बनाएगी। आज के मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 6 ओवर पावर प्ले में कितने रन स्कोर बनाएगी? आज के इस T20 मैच में पहली पारी के 6 ओवर में रन नहीं बनेंगे, सेशन नॉट जाएगा। दोस्तों, आने वाले सभी क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन के सभी वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए, उसके लिए आप अभी हमारे CBTF अर्णव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक करना भूल ना जाना। आप भी अपनी पसंद की टीम का नाम कमेंट्स करके जरूर बताना, जो टीम आज के इस मैच को जीतेगी। आज के इस मैच के लिए की प्लेयर्स की बात करें तो आज के लिए की प्लेयर्स में आप विकेटकीपर के रूप में सैम बिल्लिंग कोल को अपनी ड्रीम 11 टीम में चुन सकते हो। सैम बिल्लिंग कोल द्वारा लगातार अच्छे रन बनाए जा रहे। अगर हम दोनों टीमों के बल्लेबाजों की बात करें तो आज के इस मैच में रोहित शर्मा, MI एंड नीतीश राणा, यह खिलाड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। दोनों ही टीमें इन खिलाड़ियों को जल्दी से जल्दी आउट करके पैवेलियन में भेजना चाहेगी। इन खिलाड़ियों को आप अपनी ड्रीम 11 टीम में भी स्थान दे सकते हो। ऑलराउंडर के रूप में एंड्रिया रसल एंड डेनियल सैम्स काफी रन बना सकते हैं और मौका मिलने पर कई विकेट लेंगे। जसप्रीत बुमराह एंड टाइमल मिल्स काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अपने शुरुआती ओवरों में अपनी कसी हुई गेंदबाजी द्वारा बल्लेबाजों को काफी परेशानी में डाल देते हैं। इस मैच में टॉस कौन जीतेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस मुंबई इंडियंस जीतेगी। इस मैच में टॉस मुंबई इंडियंस जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इज मुंबई इंडियंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी।
अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, आखिर आज का मैच जीतेगा कौन। आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769031670। केकेआर बुधवार को अपनी जीत की लय जारी रखने के लिए बेहतर बल्लेबाजी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत है। मुंबई ने दो मैच खेले हैं, दोनों मैच में मुंबई को हार मिली है। टीम शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल्स से हार गई और इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक और हार हुई। बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों क्षेत्र में मुंबई को सुधार करने की जरूरत है। इस मैच में केकेआर की टीम मुंबई इंडियन पर भारी पड़ने की पूरी संभावना है। टुडे मैच प्रेडिक्शन इज कोलकाता नाइट राइडर्स विन द मैच। यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स जीतेगी। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8769031670। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।